Hey all, welcome back to the channel. नहीं, मैं सुसाइड नहीं कमिट कर रहा. Guys, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सुसाइडल थॉट्स के बारे में. दरअसल हुआ यूं कि आज मैं इंस्टाग्राम पे गया तो पता चला मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे, फ्रेंड नहीं दरअसल मेरा स्टूडेंट है, मेरे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करके बोला कि सर सुसाइडल थॉट्स आए तो क्या करना चाहिए. मैंने कहा आप तो इतने सॉर्टेड हो, आपको कैसे सुसाइडल थॉट्स आ सकते. तो उसने कहा कि सर लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें, ये है वो है फलाना ढिमकाना. सो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना तो बनता ही है जिससे कि मैं आप सबकी भी हेल्प कर सकूं. सो गाइज, आज हम बात करने वाले सुसाइडल थॉट्स के ऊपर. सुसाइड क्या होता है आप सबको पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम थोड़ा उसको डीपली जानने की कोशिश करेंगे. ऐसे थॉट्स क्यों आते हैं, अगर ऐसे थॉट्स आते हैं तो हमें उसके ऊपर क्या करना चाहिए, क्या इसके रिलेटेड कोई लॉ है, सारी चीज़ हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ. सबसे पहली बात हम बात करते हैं सुसाइड क्या होता है. सो गाइस, सुसाइड ये होता है कि आप अपनी मर्जी से खुद की जिंदगी बर्बाद भी नहीं, खुद की जिंदगी खत्म कर रहे हो, खुद का मर्डर कर रहे हो. दैट इज व्हाट सुसाइड इज. यानी आप अपने लाइफ से इतने परेशान हो जाते हैं किसी भी चीज की वजह से, आप सोचते हो कि मुझे लाइफ खत्म कर देनी. फिर वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकते हैं. एक स्टूडेंट के लिए सुसाइड का रीजन क्या होता है, वो स्टडीज की वजह से परेशान हो जाता है, या फिर किसी के घर में आप देखोगे तो यू नो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं जिस वजह से लोग सोचते हैं कि मुझे सुसाइड करनी है, मुझे नहीं रहना है करके. देन एक रिलेशनशिप की बात करें तो एक कपल के बीच में तू तू मैं चलती रहती है, ये बेचारा यानी यू नो उन दोनों के झगड़े होते रहते, उस वजह से कोई सुसाइड करता है. कभी कभी क्या होता है, कोई किसी के पीछे बहुत ही पागल रहता है लेकिन उसको यू नो आगे से कुछ घास नहीं मिलती, या फिर बंदी उसको पसंद नहीं कर रही, बंदा उसे पसंद नहीं कर रहा है, उस वजह से कोई सुसाइड कर लेता है. सो कुल मिला के सुसाइड करने के एन नंबर ऑफ रीजंस है जो आपको बहुत पता है. आपने बहुत सारी न्यूज़ वगैरह भी देख रखी है आज तक कि भाई सुसाइड लोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह. कभी कभी मर्डर होता है उसको भी सुसाइड का रूप दिखाया जाता है, एक्सेट्रा थिंग्स आपने देख रखी है. ये सब कुछ होता है सुसाइड के बारे में कि भाई सुसाइड यानी इन शॉर्ट अपने आप को खत्म कर देना, अपनी जिंदगी को खत्म कर देना बिकॉज ऑफ द एन नंबर ऑफ रीजंस. देखो गाइज, मैंने हमेशा आपको समझाया है एक बात कि आपको सबसे पहली प्रायोरिटी खुद को देनी चाहिए, अपनी हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स, इसको आपको एक प्रायोरिटी देनी चाहिए. हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो, उसके बाद वेल्थ आती है, उसके बाद रिलेशनशिप्स आती है. हमने पहले वीडियोस में इसके बारे में बात कर रखी है. अभी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सुसाइड के बारे में जब सोचते हो कि भाई मुझे सुसाइड करनी, तो आप खुद के साथ क्यों गलत कर रहे हो, आप क्यों नहीं समझते कि आपकी जो लाइफ है बड़ी ही प्रीशियस है. आपको ये लाइफ जो ऊपर वाले ने दी है वो मतलब यू नो सबको नहीं मिलती है. आपके पास आपके हाथ पैर हट्टे कट्टे सब कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हो इस लाइफ के अंदर, तो आप सुसाइड वाली चीजें सोचते ही क्यों हो. सो अगर आप सुसाइड कमिट करते हो तो आईपीसी के सेक्शन 309 के तहत आपको सजा हो सकती है खुद को हर्ट करने के केस में. यानी आपको ये जो बॉडी मिली है, देखो हमारा कानून ऐसा नहीं कि आपने किसी और को हर्ट किया तो ही आपको सजा देगा. अगर आप खुद को भी हर्ट करते हो, यानी कुल मिला के ये जो ह्यूमन बींग्स है, जो बींग्स है, आप किसी भी बींग को हर्ट करते हो, खुद को हो गया, औरों को हो गया, किसी कुत्ते बिल्ली को जानवर को किसी को भी अगर आप हर्ट करते हो तो कायदे से या फिर लीगली आपको सजा होती है. तो अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हो, मैं नहीं कहूँगा कि करो, अगर कर रहे हो तो पूरे मर जाओ, और अगर नहीं आता है तो मत करो. देखो जोक्स अपार्ट, मैं कहूँगा, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा, मैं क्या हर कोई आपको यही बोलेगा कि सुसाइड नहीं करनी चाहिए, बहुत बुरी चीज़ होती है सुसाइड करना. मतलब अपने आप में वो सुसाइड वो इंसान करता है जो बड़ा ही हारा होता है, अपनी ज़िंदगी से हारा होता है, जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही डाउन होती है, जिसको यू नो सेल्फ एस्टीम नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती उसके अंदर, जिसके अंदर बिल्कुल भी यू नो लड़ने की शक्ति नहीं होती, वो सुसाइड करता है. गाइस, हमने यहाँ पे बेसिक तो समझ लिया कि सुसाइड क्या होता है, सुसाइड करने की वजह से आपको क्या सजा हो सकती है, वो सब हमने यहाँ पे कवर कर लिया. अगर आपके माइंड में सुसाइडल के थॉट्स आते हैं तो उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए. देखो सुसाइडल के थॉट्स आना ये बहुत ही कॉमन है आज की तारीख में, बिकॉज आजकल हमारा जो माइंड है वो AI ने भर के रखा, हमारे दिमाग की धज्जियां उड़ा रखी है. हम जैसा कंटेंट देखते हैं, जैसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से हमारे माइंड में सारी चीजें वही चलती रहती है. जैसी मूवीज देखते, जैसी सीरियल्स, कुछ भी वेब सीरीज जो भी हम देखते, उस वजह से हमारे माइंड में वही सारी चीजें चलती रहती. हम उस कहानी से खुद को कनेक्ट कर लेते, हम उस कहानी से खुद को लिंक कर जाते, इस वजह से हमारे दिमाग में हमेशा ये सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं. क्या होता है ना, जो मूवीज में जो लाइफ दिखाई जाती है हम उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट कर लेते हैं. जैसे मान लो कोई मूवी आप देख रहे हो, उसके अंदर कोई लव स्टोरी चल रही है, आप उस लव स्टोरी को अपनी लव स्टोरी से कनेक्ट कर जाते हो, तो आपको लगता है नहीं भाई वो जो हीरो है उसके साथ जो चीज़ें हो रही वही चीज़ें मेरे साथ भी हो रही है, ये वो फलाना ढिमकाना, इसलिए आप उस डिप्रेशन में, उस एंजाइटी में, उन सारी चीज़ों में चले जाते हो. और फिर ये जो एंड है, सुसाइड क्या है, अपने आप में आपकी एंजाइटी से लेकर के पूरा साइकिल रहता है, एंजाइटी डिप्रेशन ये वो, देन एंड का जो स्टेज है दैट इज व्हाट सुसाइड. मैं आपको यही कहूंगा कि आपको कभी भी सुसाइड वाली चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए. देखो आपकी जो लाइफ बहुत ही प्रीशियस है, इतनी प्रीशियस की जिसकी कोई हद नहीं है, ये सबको नहीं मिलती. हमेशा देखो आपकी सोच हमेशा ऊपर होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ. जब आपको ग्रोथ की आप बात करो, जब आप यू नो सीखने की बात है, आपको हमेशा ऊपर दिखना चाहिए. लेकिन जब आप कंपैरिजन की बात है तभी हमेशा नीचे देखना चाहिए. नीचे इन द सेंस अपने से छोटों को देखो यार, उनके पास कितनी चीजें नहीं है. जो गरीब है, जो रास्ते पे सोते हैं, जिनको दो वक्त का खाना नहीं मिलता, जिनको एजुकेशन नहीं मिलता, उनके बारे में सोचो. आप अगर आप सुसाइड के बारे में सोच रहे हो तो सोचो जरा आपके पास क्या नहीं है,
सब कुछ है आपके पास, हाथ पैर सब कुछ है, यानी आपके पूरे जो 5 senses है दे आर वर्किंग, आपके 5 sense चल रहे, आपके अंदर अवेयरनेस है, आप कॉन्शियस हो। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो और इस प्रेजेंट मोमेंट में हो राइट नाउ, अपने आप से पूछ के देखो आप कहाँ पर हो। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में हो इट मीन्स आपकी कॉन्शियसनेस जागी है, तो इस जागी हुई कॉन्शियसनेस के साथ आप क्या नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर सकते हो। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे हिस्ट्री के अंदर कि जिन्होंने यू नो लाइफ में बहुत हार चुके थे फिर भी एक टाइम पे उठ करके बहुत कुछ कर ले। एक बार क्या होता है, मुझे मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि भाई मैं वीडियोस बना रहा हूँ मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होता, मैं भी होता हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें लगती है। तो मेरे जो एक कोई सर है जिनसे मैं हमेशा बात करता हूँ, मैंने उनसे एक बार पूछा कि सर मैं अपने लाइफ में जिस स्पीड से आगे चल रहा हूँ मैं स्लो तो नहीं ना। उन्होंने पता है मुझे क्या बोला, उन्होंने बोला आपको क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पता है? मैंने कहा पता है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ मुझे तो पता ही होगा। तो कहते हैं कि उसने अमेरिका को कब फाउंड किया था? तो मैंने कहा अराउंड 45-50 के इसी कुछ एज होगी उसकी। उन्होंने कहा अराउंड 46 वगैरह होगी उसकी एज। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहते हैं कि जब कोलंबस 46 में अमेरिका को फाउंड कर सकते हैं जो आज के टाइम पर सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री है, तो भाई तू तो अभी सिर्फ 24-25 साल का, तुझे क्यों लग रहा है कि तू स्लो चल रहा है? आप ऐसा कभी मत सोचो कि भाई मैंने लाइफ में इतना टाइम बर्बाद कर दिया, ये हो गया वो हो गया, किसके पीछे इतना टाइम मेरा वेस्ट हो गया, अब मैं क्या करूँ, सुसाइड इज द ओनली यू नो ऑप्शन फॉर मी, ऐसे बिल्कुल मत सोचो। सुसाइड यू नो ओनली ऑप्शन नहीं है, सुसाइड आप उसको एक लास्ट ऑप्शन रखते हो कि चलो कुछ नहीं तो मैं एंड में सुसाइड ही कर लूंगा। अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे तो आप उसको ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हो? देखो आप क्या है ना, अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते रहते हो जिस वजह से, यानी जो आप अब तक की आपकी जो अपब्रिंगिंग है या फिर अब तक आपकी जो हैबिट्स है उस हैबिट्स के अकॉर्डिंग ये थॉट्स आपके माइंड में प्लांट हुए उसकी वजह से आपको ये सारे थॉट्स आ रहे, सुसाइड के थॉट्स या जो भी सारे थॉट्स आ रहे। आप क्या करो, आपकी थॉट प्रोसेस को चेंज कर दो। देखो एक सिंपल आपको मैं चीज़ बताता हूँ, जो भी आप सुबह से रात तक करते हो उस शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज कर दो, थोड़ा सा शिफ्ट कर दो। जैसे कि आप अगर मान लो आप सुबह उठ रहे हो मोबाइल को लेकर के बैठे हो, ये बैठे हो, जो सारी वेब सीरीज देख रहे हो, जिन सारे दोस्तों से बातें कर रहे हो, ऐसे करके आपका दिन खत्म होता है, उस साइकिल को थोड़ा ब्रेक करो, थोड़ा साइकिल चेंज करो। फॉर एग्जांपल आप क्या करो, वॉक के लिए जाओ, फिर मेरे वीडियोस देखो, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखो, देन आप यू नो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, थोड़ा नेचर से कनेक्ट हो जाओ, जो भी सारी चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हो उन चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाओ। इसी वजह से आपके माइंड में सारे थॉट्स आ रहे, तो उन सारा जो कंजम्पशन है ना, जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो उस सारे कंटेंट को अपने से थोड़ा दूर कर दो। उससे क्या होगा, आपका एक यू नो हैबिट टूट जाएगी। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि हैबिट को छोड़ दो, हैबिट को हमेशा चेंज करना चाहिए। अगर आप हैबिट को छोड़ोगे तो वो कभी छूट नहीं सकती, बिकॉज 2 दिन के लिए छोड़ दोगे तीसरे दिन से शुरू हो जाएगी, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको हैबिट को छोड़ो मत, हैबिट को चेंज करो। जब आप अपने हैबिट को चेंज करते हो अच्छे हैबिट्स के साथ, जैसे मेरे साथ जब हुआ था ना ये सारी चीज़, जब मेरे को माइंड में आता था तो मैंने अपने हैबिट्स को चेंज करना शुरू कर दिया। मैंने गिटार प्ले करना स्टार्ट कर दिया, हालांकि मुझे इतना खास नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, अपने माइंड को किसी और जगह पे लगा रहा हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, अपने आपको बिजी रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये सारे थॉट्स मेरे माइंड में ना आए। देन मैं वॉक पे जाने लग गया, मैं मॉर्निंग वॉक करने लग गया, यहाँ वहाँ कुल मिला के मैं नेचर से कनेक्ट होने लग गया। आप नेचर से कनेक्ट होकर देखो आपको कितना अच्छा लगे। यू नो वॉट, सुसाइडल थॉट्स क्यों आते हैं या फिर हम सुसाइड की बातें क्यों करते, हमको क्यों लगता है कि भाई इस लाइफ को खत्म कर दो? बिकॉज हमारे साथ कोई और होता है जो हमें किसी ना किसी पॉइंट पर जाके जज करता है ना। जब आपको कोई कहता है तुझे ये नहीं आता है, तू वो नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, देख तू तो फेल हो गया, जब कोई आपको पोक कर रहा है, जब कोई आपको पॉइंट कर रहा है कि तुझे ये नहीं आ रहा है वो नहीं, तभी तो आपको बुरा लगता है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, आप नेचर से कनेक्ट हो जाओ, नेचर आपको कभी कहीं पे जाकर के जज नहीं करने वाला। धरती जल अग्नि वायु आकाश ये कभी आपको जज नहीं करेंगे, कभी आपसे रिटर्न में कुछ मांगेंगे नहीं, यानी कभी आपको कुछ देंगे भी नहीं, देंगे नहीं इन द सेंस वो आपको सामने से आके कुछ देते नहीं, उनका नेचर वही है। जैसे सूरज का नेचर क्या है, चमकना, तो वो आपको सनरेज दे नहीं रहा, उसका बाय डिफॉल्ट नेचर ही चमकना है, उसके थ्रू आपको मिल रहा है। तो जब वो आपको कुछ दे नहीं रहा तो आपको आपसे कुछ मांगेगा क्यों, और आपसे मांगेगा नहीं तो आपको पोक करेगा क्यों, और पोक करेगा नहीं तो आपके माइंड में सुसाइडल थॉट्स आएंगे क्यों? रिलेशनशिप्स में क्या होता है, कोई भी रिलेशनशिप ले लो फॉर दैट मैटर, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके यू नो पार्टनर हो गया, गर्लफ्रेंड, कोई भी रिलेशन, उस रिलेशन के अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं जस्ट बिकॉज वहाँ पे गिव एंड टेक वाली चीज़ें होती है। आप कुछ देते हो अगला कुछ देगा, अगर उसने नहीं दिया तो आपको बुरा लगेगा, आपको बुरा लगेगा तो आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट करोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे तो फिर सामने से यू नो तुतवे में और भसड़ हो जाती है, उस वजह से आपके माइंड में सुसाइडल थॉट्स आते, फिर वो एक यू नो टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है, जिस वजह से आप सोचते हो कि खत्म करो इस चीज़ को, और फिर खत्म होने के बाद आपकी उसकी यादें बड़ी सताती है, ये होता है वो होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो आपको एंड में जाके लगता है कि भाई सुसाइड ही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि जब भी आपके माइंड में ये सारे थॉट्स आते हैं तो आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट करो, ट्राई करो, थोड़ा अकेला रहना सीखो, अकेला रहना बुरा नहीं होता है अगर आप उसमें से भी कुछ अच्छा निकाल सको तो। बहुत सारे लोग होते हैं अकेले रहते हैं तो भाई गलत चीज़ों में भी चले जाते हैं जो आपको नहीं करना है। आपको हमेशा अपनी, जैसे मैंने अभी क्या बताया आपको, इफ़ यू आर कॉन्शियस इनफ टू अंडरस्टैंड, अगर आप कॉन्शियस हो इस वीडियो के
को देखते हो, अगर आप कॉन्शियस हो, अगर आपको समझ में आ रहा है कुछ भी, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हो, इट मीन्स यू आर कॉन्शियस। और अगर आप कॉन्शियस हो तो कॉन्शियसली सोचो ना आपकी लाइफ के बारे में, एक बार मिले तो उसका यू नो बेस्ट में से बेस्ट निकालने की कोशिश करो। यू शुड ऑलवेज गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर सेल्फ। ये सुसाइड और ये कुछ भी नहीं होता है। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखो, जिन्होंने भी बड़ी बड़ी चीजें की अपने लाइफ में, उन्होंने सबने इस फेज से कभी ना कभी गए हैं। ऐसा नहीं कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है, आप जाके शिकायत करो गॉड मैं ही क्यों। आपको पता है आपके साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही है? बिकॉज आप उसको बेयर कर सकते हो, आप उसको झेल सकते हो, इसीलिए आपके साथ हो रहा है। किसी के भी साथ नहीं होता है, सबके साथ नहीं होता है। जैसे मैं हमेशा गॉड से कंप्लेंट करता था, जो भी मेरे लाइफ में चीजें थी, गॉड मैं ही क्यों। गॉड मुझे कहते थे कि क्या मैंने तुझे अंधा बनाया, मैंने कहा नहीं। कहते क्या मैंने तुझे लंगड़ा बनाया, क्या मैंने तुझे एक हाथ कम दिया, मैंने कहा नहीं। तो बोलते तब तो तू बोला नहीं कि गॉड मुझे क्यों ने अंधा बनाया, उसको अंधा बनाया। तब मैंने कहा हाँ गॉड। तो बोलते कि भाई तुझे इसीलिए नहीं बनाया बिकॉज तू वो बेयर नहीं कर सकता, तू जितना बेयर कर सकता मैंने तुझे उतना ही दिया, तू जितना तेरे से टॉलरेट करने की तेरे में जितनी क्षमता है उस अकॉर्डिंग ही तेरे प्रॉब्लम है। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि आपकी लाइफ में भी जो भी चीजें हैं, आज आपको लग रहा है कि भाई पता नहीं क्या हो गया, मैं बहुत डिमोरलाइज हूँ, मैं बहुत डिमोटिवेट हूँ, लाइफ खत्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया, जो भी सारी चीजें लग रही है, तो थोड़ा कॉन्शियस होकर सोचो कि जो भी कुछ आपको लग रहा है, सोच के देखो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जस्ट बिकॉज आप उसको बेयर कर सकते हो, आप कल जाके एक यू नो जब आप इसको बेयर करके फेस करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके जब एक कुछ अच्छा करोगे अपने लाइफ में, तब आप एक एग्जाम्पल सेट हो जाओगे उन हजारों करोड़ों लोगों के लिए जो आपको वो टाइम पे देखेंगे कि नहीं यही वो पर्सन जिसके माइंड में कभी ना कभी सुसाइडल थॉट आया था, जिसने उस टाइम पे ना मरते हुए ना सुसाइड करते हुए उस चीज को ओवरकम करके अपने लाइफ में आज इस मुकाम पे पहुंचा है ना। तो आप सब कुछ कर सकते हो। इसीलिए गाइज ये सब मत सोचे सुसाइड एंड ऑल, ये होता रहता है। जो भी आपका एज राइट ना उस अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होती रहेगी, इट्स नॉट अ बिग डील। बट द थिंग इज कभी भी जाके अब आपको ये सारी चीजें नहीं करनी, जस्ट बिकॉज आप जब स्कूल जाते हो, उस कॉलेज जाते हो, तो आपको जो यूनिफॉर्म मिलता है, क्या आप यूनिफॉर्म को खराब कर सकते हो क्या? हाँ थोड़ा बहुत गंदा होगा तो आप उसको धोते हो फिर धो करके पहनते हो। क्यों? बिकॉज गंदा यूनिफॉर्म आपके यू नो टीचर्स आपको डांटेंगी कि गंदा यूनिफॉर्म क्यों किया भाई, है ना। वो आपको एक पहनने के लिए दिया है ना कि उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए पहनना है, फिर आपको निकाल के घर पे रख देना है। उसी तरह आपकी जो बॉडी है वो भी आपको ऊपर वाले ने कह लो, आप जिसको भी मानते हो, गॉड अल्लाह भगवान जो भी, या फिर ये एनर्जी, ये यूनिवर्स ने आपको ये बॉडी संभालने के लिए दी कि इस बॉडी के थ्रू आप कितना अच्छा बेहतरीन कर सकते हो, कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हो, इस बॉडी के थ्रू आप क्या नहीं कर सकते, जो सारी चीज़ें आप इस बॉडी के थ्रू कर सकते हो, इस बॉडी को यूज़ करके इसकी हाईएस्ट लिमिट अपर लिमिट तक पहुंच सकते हो, वो करना है आपको इस बॉडी से। ना ही सिर्फ खुद का भला, एक तरह से इस बॉडी को संभालना है, इसकी यू नो केयर करनी है, मेंटेन करना है, जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो लाइफ में, सोसाइटी में सबकी मदद कर सकते हो। ये सब कुछ आपका काम है और ये यूनिफॉर्म है आपका, आपकी अगर आप आत्मा में जिसमें सारी चीजों में मानते हो, जो भी आपका एग्जिस्टेंस है, जो भी आपका मैं, आप जिसे कहते हो कि मैं ये हूँ, उस मैं के ऊपर ये सिर्फ एक कवर है जो आपको दिया है पहनने के लिए। तो इसको हर्ट करने का, इसको यू नो खराब करने का आपको बिल्कुल भी हक नहीं है। आप ये इल्लीगल चीज कर रहे हो। अगर आप सुसाइड करने के बाद मर भी जाते हो ना तो भी ये गलत है। आपने किसी को मार दिया, किसे मारा? आपने खुद को मार दिया, आपने खुद का मर्डर कर दिया। ये अपने आप में बहुत गलत चीज है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ ना, मॉरली एथिकली लीगली सही से चलो, तो आप लीगली सही से नहीं चल रहे हो। आप अपने साथ क्या कर रहे हो? आप अपने आप कानून को तोड़ रहे हो, आप लीगैलिटी को यहाँ पे तोड़ रहे हो। जो रूल्स बने सोसाइटी के रूल्स है, रूल्स को आप ब्रेक कर रहे हो, जो कि अपने आप में बहुत गलत चीज है। हर स्क्रिप्चर में यही लिखा है कि सुसाइड या ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो मॉरली एथिकली लीगली गलत है, वो आपको नहीं करना किसी भी पॉइंट पे जाकर के। सो आई होप गाइज ये चीज आपको समझ में आई जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि सुसाइड आपको नहीं करनी, या आपकी बॉडी एक अपने आप में यूनिफॉर्म है जो आपको मिला है, इस यूनिफॉर्म के को पहन करके आप लाइफ में यू नो एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज करो जो आप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सको, यानी जो भी आपने एक्सपीरियंस किया लाइफ में उससे बहुत सारी चीजें कर सको। उस कभी भी यू नो ऐसा मत सोचो कि चलो भाई मैंने इतना कुछ देख लिया, आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया, तो तभी ईगो नहीं आना चाहिए आपके अंदर, तभी आपको एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। जिस बैकग्राउंड से आप निकले, जिस फेस के थ्रू आप आगे बढ़े और किसी मुकाम पे पहुंचते हो, तो वो टाइम पे जाकर के औरों की आपको हेल्प करनी चाहिए। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के थ्रू आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी, सुसाइड क्या होता है, सुसाइड के कानून क्या है, सुसाइड को आपको क्यों नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करी है। अगर मैंने कोई टॉपिक यहाँ पे यू नो छोड़ दिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड। सुसाइड बिल्कुल मत करना।